गढ़वा में जो है कि सड़क जो है कि बेइंतहा बनाया जा रहा है जी, और बनाया जा रहा है तो इसका श्रेय भी लेने के लिए लोग जो है कि बेइंतहा मतलब कि उतावला हुए चल रहे हैं कि मैं सड़क बना रहा हूँ। अरे महाराज, आप पेयजल स्वच्छता के मंत्री हैं, आपको पानी पिलाते सब गाँव में, सब पंचायत में, सब प्रखंड में, तो बात होती कि हाँ आपने पानी पिलाया। ये प्रधानमंत्री सड़क आवास पर मर नचनिया बुला के नचवा रहे हैं, कौन सा बात हुआ? आपको तो बोलना चाहिए कि हाँ हम पानी सबके घर पहुंचा दिए, सब गली में, सब शहर में। आज जो है कि आप रंका मोड़ से समरणालय नया वाला हो या समरणालय अभी जो है पुराना वाला हो, अगर कहीं पर दिखा दीजिए कि पेयजल का जो है कि पानी का नल टूटी जो है कि दिखाई दे दीजिए, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा कि जो जनता के लिए पानी ये देते हो। आप मझियाव मोड़ से आप रंका मोड़ आ जाइए, जहाँ घंटा घर की बात करते हैं कि ये माननीय मिथिलेश ठाकुर ने कि हम घंटा घर बनवाएं, अरे आप घंटा घर के मालिक नहीं हैं, आप पानी के मालिक हैं, पानी ना पिलाइएगा। अगर आप देखा जाए तो घंटा घर से आप कर्पूरी चौक तक जाइएगा तो कहीं पानी का सुविधा नहीं है। अब सड़क की बात करते हैं, वो जन प्रतिनिधि हैं, हाँ। तो उनका तो दायित्व ये बनता है हर क्षेत्र में विकास के काम करें, हर क्षेत्र में विकास के काम कर रहे हैं, तो इसमें बीच में अड़चन कहाँ आ रही है बताइए। हर क्षेत्र में हमने जन प्रतिनिधि हर काम में वो करेंगे। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, हाँ। कि प्रधानमंत्री के जो है, हाँ। ग्रामीण सड़क विकास योजना पहला ऐसा प्रतिनिधि है आप विपक्षी में बैठे हुए जो किसी को आप बधाई दे रहे हैं, शायद ये पहला ऐसा मेरा वीडियो बना है। सब तो विरोध कर रहे हैं, आप बधाई तो दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी तो कर रहे हैं। एकदम बहुत दिल की गहराई से हम इनको बधाई दे रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है कि जितना व्यापक सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोरवाडी से जो है आप महुलिया तक जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें जो है कि बेगर जो है कि सड़क का जो है कि जो बनाया जा रहा है, ग्रामीण का जो रैती जमीन है मुआवजा को दिया नहीं जा रहा, भू अर्जन से उसको मुआवजा के लिए मापी नहीं किया गया है। और आप महाराज इसके लिए बधाई खोज रहे हैं कि आप जो है कि भूमि अधिग्रहण के नियम के तहत जो है भूमि अधिग्रहण भी नहीं किए हैं, अब भूमि लूट रहा है, अब ठेकेदार से जाके जमीन मालिक अगर कहता है कि मेरा जमीन आप नहीं ले सकते हैं तो उसको लाठी और बंदूक का जोर दिखाया जा रहा है। आप तत्काल में अभी देखिए कि हमने कई को जो है कि मीडिया के साथी, चाहे वो मेराल से डंडई के रास्ता में जाने की बात हो कि सड़क निर्माण हो रहा है, उसमें भी जो है कि मीडिया के साथी पर आरोप लगा कि इनके ठेकेदार कहते हैं कि अगर तुम यहाँ आ गए तो तुम पर जो है कि ये हम केस कराएंगे कि आप रंगदारी मांगने आ रहे हैं, आप हमसे जो है कि भयवश जो है कि मीडिया दिखा के पैसा लूटने आ रहे हैं। अभी तत्काल में आप देखिए कि ग्रामीण जो है दुधवल का मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आपका ठेकेदार जो है कि जिनमिन काम नहीं कर रहा है, जहाँ 4 इंची जहाँ 6 इंची का ढलाई होना चाहिए, 8 इंची का ढलाई होना चाहिए, वहाँ 2 इंची और 4 इंची आप ढलाई कर रहे हैं। इस बात के लिए बधाई मंत्री जी खोज रहे हैं क्या कि हम बहुत विकास कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार जो है कि हमारे नाम पर जो है कि बंदूक और लाठी का भय दिखा के ग्रामीणों से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। जिस जनता को ये लूटेंगे इनके ठेकेदार, कल वोट मांगने जाएंगे तो क्या मतलब जवाब मिलेगा? ये आने वाला 2024 का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 6 महीना में जनता बताएगी कि उन ठेकेदारों को जो बिहार और उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से लाके आप जो ठेका दे रहे हैं खास तबके के खास लोगों को, जो भय बनाकर यहाँ सड़क बना रहे हैं, आप अभी जाके देखिए कि चमा से लेके आप ओबरा जाइए, ओबरा से पहले बघमार जो है वहाँ पर एक पुल का ढलाई हुआ है। 7-8 दिन पहले मैं क्षेत्र भ्रमण के दरमियान जा रहा था तो पुल का ढलाई हुआ है लेकिन वहाँ पर डाइवर्सन नहीं बनाया गया है, उसके चलते ग्रामीणों को और मुझे खुद तकलीफ हुई है कि 8 किलोमीटर वापस घूम के जो है कि फिर हम लोग को जो है निकलना पड़ा ओबरा जाके, जी पचपड़वा होते हुए जाना पड़ा। आज क्या परिस्थिति है? आज भैया जी के नाम पर ठेकेदार जो है कि आम ग्रामीण जनता को डरवा रहा है, तो आप मिनिस्टर हैं, पानी के पेयजल स्वच्छता के उपाधाई खोज रहे हैं, सड़क का, सड़क तो ऑटोमेटिक। ऐसे ही क्षेत्र में एक और प्रतिनिधि हैं बीडी राम जी, उनका नाम कहीं क्यों नहीं आता है? वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी तो विकास का काम हो रहा है, वो भी उनका भी कभी चर्चा कर लिया कीजिए। बीडीएम ट्रेन का बचपन से हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, हाँ। लेकिन बीडी राम जो है नहीं सुने हैं, विष्णु दयाल राम जानते हैं कि यहाँ के सांसद हैं। हाँ, शॉर्ट नाम बीडी राम लोग बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ, बात हमको हाँ, इसकी जानकारी नहीं थी कि मतलब कि शॉर्ट में उनको बीडी राम बोला जाता है, ये बात जानता हूँ मैं कि विष्णु दयाल राम
यहाँ के सांसद हैं और ये इस बार भी इनको गालिबन टिकट मिली है जी। और आने वाले लोकसभा के कैंडिडेट फिर से बनाए गए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उनके ऊपर कुछ क्यों नहीं बोलते? उनका भी जहाँ जहाँ भी आप मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, हर जगह शिलापट में उनका भी नाम आ रहा है। तो उनका भी नाम इसलिए आ रहा है, और वो आपके हिसाब से जितना कसूरदार ये है उतना कसूरदार वो भी शायद है, वो भी तो प्रतिनिधि हैं निश्चित रूप से, वो भी कसूरवार हैं। और कसूरवार हैं तो आप ये जान लीजिए कि कोई आदमी नाच गाना डांस डीजे बुला के उसका सीना ठोक के कर आए कि मैंने सड़क बनाने का काम किया, मैंने यहाँ गंगोत्री बहाने का काम किया, वो आदमी तो बोल ही नहीं रहा है कि हमारा ही सड़क है हम बनवा रहे हैं। अगर वो बोलता तो हम लोग उसका ही विरोध करेंगे, अब अगर शिलापट में है तो जनता उसका भी विरोध करेगा, आने वाले लोकसभा में जनता जो वोट देगी मतदान करेगी तो जनता के ऊपर डिमांड है। आपके ऊपर अगर कहीं पर ठोकर लगा तो आपको महसूस होगा ना कि मेरा जाने में चार जगह ठोकर बना हुआ है, चार जगह गड्ढा है, सड़क निर्माण हो रहा है तो जहां डाइवर्सन होना चाहिए वहां डाइवर्सन नहीं बन रहा है, वहां जब आज जितना भी सड़क बन रहा है आप उसमें देखिए कि कहीं पर पानी का झोंकाव नहीं हो रहा है। आज 10% ठीका 10% पीसी लेके बाहरी ठेकेदार को पैसा दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, तो आज परिस्थिति क्या है? यहाँ के स्थानीय ठेकेदार को एक भी काम अगर आप दिखला दीजिए कि हाँ इन्होंने देने का काम किया है, कि जितना भी ठीका है एक ही आदमी को, और जो आदमी 10 ठीका 15 ठीका करा चुका है, जो कि नियम है कि आप एक ठीका एक व्यक्ति को दीजिए, दूसरा ठीका दूसरे व्यक्ति को दीजिए, तीसरा ठीका तीसरे व्यक्ति को दीजिए, लेकिन आज परिस्थिति है कि आज लगातार खास तबके के खास लोगों को ये ठीका एक ही आदमी को दे रहे हैं, और बाकी लोग जो है कि जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं वो उनका जो है कि सारा का सारा पेपर रखा हुआ है, बेरोजगारी उनके पास कोई ठेकेदार, पुराने जो ठेकेदार हो जा रहे हैं उनका तजुर्बा ज्यादा होगा काम कराने का, तो नया वाला क्या करेगा? मतलब जो अभी आईए बीए करके वो जो है कि घर कलम कॉपी रख देगा कि पुरनकन सब रिटायर होगा तब हम तो नौकरी के लिए जाएंगे, वैकेंसी नहीं का, वैकेंसी का ऐसा तो नियम नहीं है। अरे वैकेंसी का नियम है कि अगर आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो आप सब आदमी को प्रत्येक व्यक्ति को जो है कि आपको बुलाना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को आप देखिए कि किनको जो है कि हमारा जो है कि बढ़िया काम करेगा। आज गुणवत्तापूर्वक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, ये तो भारी आरोप है जी, ये तो भारी आरोप है। पूरे जिला में जितना भी जो वाहवाही पीट रहे हैं कि मैंने सड़क निर्माण करा, आप 12 नंबर वार्ड में जाइए, अभी जाके निर्माण जो है कि आप देख लीजिए यहाँ टंडवा में 22 नंबर या 12 नंबर जो 21 नंबर में, जिसका 2 दिन पहले वीडियो दिखाने का हम काम किए थे, आप जाके देख लीजिए कि भारी अनियमितता है कि नहीं है। मतलब बगैर साफ किए हुए, बगैर मिट्टी काटे हुए, बगैर सफाई, बगैर ड्रेन किए हुए, उसको डायरेक्ट जो है कि पैसे आप जो है पिचिंग कर रहे हैं, आप रंगदारी कर रहे हैं ना मंत्री के नाम पर, इसका मतलब मंत्री जी शाह दे रहे हैं, मंत्री जी शाह दे रहे हैं, बंदूक लाठी के जोर पर ठेकेदार यहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदारी कर रहे हैं।